दोस्तों, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है डियर जिंदगी। तो आज चांद रात है, तो ये थोड़ा लेट वीडियो पोस्ट हो रहा है, लेकिन आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद और आप सबकी ईद बहुत ही अच्छी जाए और बहुत सारा सवैया खाइएगा। तो हम लोग निकल पड़े थे चांद रात वाले दिन मार्केट घूमने के लिए। तो ये हम लोग आ गए हैं सिटी के अंदर, जो सिटी है वहाँ पे, ये MI रोड है। देखिए कितना अच्छा डेकोरेशन कर रखा है यहाँ पे। और ये देखिए मस्जिद का भी कितना अच्छा डेकोरेशन कर रखा है। और इतनी अच्छी वाइब्स आ रही थी क्योंकि कल ईद थी और बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी नए कपड़े पहनने की। थोड़ा फील भी था कि रमज़ान जा रहे हैं, लेकिन ईद के लिए एक्साइटमेंट भी थी कि कल ईद है। हम लोग निकल पड़े थे कुछ खाने पीने और ईद की रौनक देखने मार्केट के अंदर। चलते चलते देखिए यहाँ पे मेला भी लगा हुआ था। ये भी सरावगी मैंशन के पास है जयपुर में, जहाँ पे मेला लगा हुआ था। तो ये ईद की ना अच्छी अच्छी वाइब्स दे रहा था कि चकल ईद है, मज़े करेंगे, सब फैमिली से मिलेंगे, खाना बनेगा बहुत सारा। तो देखिए सिटी में आ गए, सिटी में भी कितनी अच्छी रोशनी कर रखी है, सब थोड़े थोड़े लाइट्स लगा रखी है। ये गुलाबी शहर है दोस्तों, तो यहाँ पे ऐसे छोटी छोटी ना इमारतें बनी हुई हैं इस तरीके की, और यहाँ पे ऐसे लाइटिंग कर रखी है। और ये नीचे शॉप्स हैं यहाँ पे जहाँ से आप ख़रीदारी कर सकते हैं। तो ये जौहरी बाज़ार वाला एरिया है और देखिए कितनी अच्छी लग रही है लाइटिंग। और ये है दड़ा वाला एरिया, जो दड़ा मार्केट है जयपुर के अंदर, उसको भी लाइटिंग से देखिए कितना अच्छा सजा रखा है। और यहाँ पे एक मस्जिद भी है जहाँ पे आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। और ये जो एरिया है यहीं से शुरू हो जाता है पूरा, जो भी ईद का जो चांद रात वाले दिन का जो भी जितना भी वो लगता है ना मेला टाइप्स, रात को वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे आप कुर्ते पजामे, जूतियाँ, मोजड़ियाँ और टोपी, ये सब हम आपको दिखाऊंगी आगे वाले व्लॉग के अंदर। तो हम यहाँ पे ई रिक्शे से जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं थी, मतलब पार्किंग बहुत दूर थी, तो हमने सोचा ई रिक्शा कर लेते हैं। अच्छा, और देखिए ये मार्केट हमारा शुरू हो गया है और मैं और सोनू, मतलब मेरा भाई, हम लोग चले जा रहे हैं। और तो उससे पीछे से वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि क्या क्या है। अभी बस स्टार्ट ही, चांद दिखाई था, हम लोग तभी निकल गए थे। मतलब ये लगभग 8 बजे 8:30 बजे का टाइमिंग था, तो इतना रश नहीं दिख रहा था। मतलब रश तो काफ़ी था लेकिन इतना ज़्यादा वाला रश नहीं था। देखिए कितने लोग क्या क्या लेके बैठे हुए हैं और सब अपने अपने तरीके से कुछ कुछ बेच रहे हैं चांद रात वाले दिन। और देखिए लोग यहाँ पे ना मजबूर लोग भी थे काफ़ी सारे, जो लाइक कुछ अपाहिज थे, किसी का एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं उन्हें पैसे भी देती जा रही हूँ जो भी उनके लिए मेरे लायक, मतलब उनके लिए जो भी मैं हेल्प कर सकती थी। और देखिए और भी लोग यहाँ पे हेल्प कर रहे हैं, कुछ खाने के लिए दे रहे हैं, कुछ और दे रहे हैं। तो हम लोग पैसे लेकर आए थे खुले, तो हम लोग वो बांटते हुए जा रहे थे। और हम लोगों ने आटा भी डोनेट किया है, मतलब लोगों को। यहाँ पे ना छोटी छोटी शॉप्स लगा रखी हैं, कोई ड्राई फ्रूट बेच रहा है, कोई जूतियाँ बेच रहा है, कोई बेल्ट बेच रहा है, कोई टोपियाँ बेच रहा है। तो इस तरीके से ना यहाँ पे रामगंज बाज़ार है, पूरे बाज़ार के अंदर लोग चांद रात वाले दिन कुछ कुछ शॉप्स लगाते हैं। कोई टॉय दे बेच रहा है, कोई बच्चों के खिलौने, कोई बच्चों की जो भी बैग्स होते हैं हैंड बैग्स, वो सब दे रहा है। तो आगे देखते जाइए। और लाइटिंग देखो कितनी अच्छी लग रही है। दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों देखिए और रौनक बढ़ती जा रही है और ये पूरा रामगंज बाज़ार है। तो हम लोग यहाँ खाना भी खाकर आए थे उस दिन, तो बाहर ही हम लोगों ने डिनर भी किया था। और ये देखिए लकड़ी का आइटम कितना अच्छा बना रखा है। और इस तरीके से रोड पर ही सब लोगों ने शॉप्स लगा रखी थी, कोई टी शर्ट्स बेच रहा है। और सभी जितने भी सिटी के लोग थे या बाहर सिटी से थोड़ा सा आउट ऑफ साइड के थे, वो लोग भी चांद रात वाले दिन आते हैं देखने के लिए। और तरीके तरीके की चीज़ें थी, और मैंने भी यहाँ से कुछ सुपारी सौंफ वगैरह ली, तो वही मैं ले रही हूँ नीचे बैठ के। तो देखिए यहाँ पे सब तरीके की चीज़ें मिलेंगी आपको, जो घर के सामान की। सब लोगों ने अपने अपने तरीके से स्टॉल लगा रखी थी, तो हम लोग देखते जा रहे थे और चलते जा रहे थे आगे। और देखिए दोस्तों मेरी फेवरेट शॉप आ गई है, चूड़ी की दुकान, जो मुझे बैंगल्स पहनना बहुत पसंद है, ओकेजनली पहनती हूँ वैसे तो मैं। तो मैंने यहाँ से बहुत सारी बैंगल्स खरीदी है मम्मी के लिए, भाभी के लिए, मेरी मदर इन लॉ के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा साइज़ नहीं मिला क्योंकि थोड़ा छोटे छोटे साइज़ थे और मैं थोड़ी सी हैवी हूँ तो नहीं मिला। तो दोस्तों देखो शादी के बाद में भाई भी ना बहुत ज़्यादा
इंटरेस्ट लेने लग गया है चीज़ों के अंदर, तो हम लोग कुछ और बच्चों के लिए भी शॉपिंग करते हुए, तो मेरी कज़न है उसके लिए हम लोग वॉच ख़रीद रहे थे, तो दोनों भाई बहन हैं, तो भाई के लिए हमने वॉच ली थी, और बहन जो है मतलब कज़न सिस्टर जो है छोटी है वो, उसके लिए हमने पिंस लिए। तो ये बलून देखिए दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा बलून होगा भाई, ये कहाँ बेच रहा है बीच रास्ते में। और फिर चलते गए दुनिया। तो दोस्तों भीड़ देखिए कितनी, सारे लोग थे यहाँ पे, और अलग ही वाइब आती है ईद चांद रात वाले दिन की, क्योंकि यहाँ पे बहुत रौनक रहती है, बहुत ज़्यादा रौनक, और सुबह 5 चांद रात चांद दिखने से लेकर सुबह 5 बजे तक यहाँ रौनक रहती है। और हम लोग निकल पड़े थे आगे, तो पैदल पैदल चलते चलते बहुत, और ये देखिए चप्पलें कुर्ते पजामे पे पहनने के लिए बच्चों की, बड़ों की, सबकी जो फुटवेयर्स है वो देखिए कितनी अलग अलग टाइप्स की है यहाँ पे, आप हर तरीके की चप्पल खरीद सकते हैं यहाँ से। तो आगे देखिए भाई देखिए चश्मा ट्राई कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग मज़े कर रहे थे बेसिकली, हम यहाँ पे मज़े करने गए थे कि चलो थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। सो देखिए चश्मा ट्राई कर रहे हैं हम दोनों बहन भाई, और मुझे ये चश्मा पसंद आया, तो हम दोनों बहस कर रहे हैं कि नहीं ये नहीं अच्छा है वो नहीं अच्छा है, तो लगे हुए हम दोनों। और जहाँ पे भी हम तीनों हो जाते हैं ना, मैं भाई और मेरे हस्बैंड, तो वहाँ मज़ा दुगना हो जाता है, क्योंकि हम तीनों ही बहुत ही मस्ती खो रहे हैं। तो देखिए दोस्तों कुर्ते भी कितने अच्छे अच्छे स्टाइल के इस बार आए थे मार्केट के अंदर, बच्चों के भी आए थे, तो यहाँ पे कुर्ते की शॉप भी होती है, जो लोग कुर्ता पजामा नहीं सिलवा पाते तो वो लोग यहाँ से सिलवा तुरंत लेते हैं। और मैं यहाँ से इन भैया से बहस कर रही हूँ कि हमने एक वॉच जो ली थी वो हमने ली थी 150 की, और ये भैया मुझे 200 बोल रहे थे, तो मैं बोल रही थी यार भैया प्लीज़ थोड़ा सा कम कर दो। तो ऐसे हम लोग चलते चलते कुछ ना कुछ करे जा रहे चलता जा रहा था, और फाइनली मैंने इनसे बार्गेनिंग करी ली, जो कि लड़कियों का मेन वो होता है टारगेट की बार्गेन करना ही है, और मैंने इनसे वॉच ले ली थोड़े कम पैसों के अंदर, मतलब इतने भी कम नहीं कराए, लेकिन 10-20 रुपए भी कम करा के बहुत खुशी मिल जाती है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। सो मैंने वॉच ले ली है, एक इज़ियान के लिए ली है मेरे बेटे के लिए, और एक उनके लिए ली है, और लास्ट में मैंने इन्हें हिसाब भी दिया, तो ये काम भी हो गया था। चलो आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों देखिए टोपियों का कलेक्शन भी कितना अच्छा है, और आपको देख के लग रहा होगा ना, देखिए दोस्तों ये मार्केट है, लेकिन इसकी जो रोशनी है और जो वाइब्स है वो कितनी अच्छी आ रही है, कि सब अपनी अपनी दुकानें लगा के बैठे हैं, और कल ईद है सबको पता है, लेकिन सब चांद रात वाले दिन यहाँ पे आते हैं और सब चीज़ें खरीदते हैं। और ये देखिए ये इत्र मैं देख रही थी मम्मी के लिए, लेकिन समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे इसकी खुशबू नहीं आ रही थी, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इत्र मैं ट्राई करके देख रही थी, तो खुशबू के लिए। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि मेरे चांद रात का व्लॉग आपको कैसा लगा, और अगर आप एक्साइटेड हैं ईद वाले व्लॉग को देखने के लिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।